कॉफी की कीमतें वर्तमान में अब तक के सबसे उच्च स्तर पर हैं, लेकिन भारतीय किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। दरअसल भारत में कॉफी की दो किस्में रोबस्टा और अरेबिका की खेती होती है। इस वक्त अरेबिका कॉफी की कीमत आसमान छू रही है, जबकि भारत में सबसे अधिक उत्पादन रोबस्टा कॉफी का होता है। यही कारण है कि किसानों को बढ़े हुए दाम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारत के सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का हिस्सा कॉफी उत्पादन में 83% है। इसमें भी 70% हिस्सा केवल एक राज्य, वो भी कर्नाटक का है। राज्य का कोडागु जिला कॉफी की खेती का हब है। हालांकि इस नकदी फसल ने पिछले 3 वर्षों में किसानों को कम रिटर्न दिया है, क्योंकि भारी बारिश और बेमौसम बरसात के कारण उत्पादन पर असर पड़ा है। अरेबिका की बाजार में अधिक कीमत मिलती है, क्योंकि इसे बेहतर स्वाद वाला माना जाता है। अरेबिका की खेती के लिए नवंबर से जनवरी तक और रोबस्टा की खेती जनवरी से मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। भारत में रोबस्टा कॉफी के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा है। छोटे किसान रोबस्टा उगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उपज अधिक होती है और रखरखाव लागत कम होती है। अरेबिका कॉफी के कमोडिटी बाजार पर निगाह डालने से संकेत मिलता है कि कॉफी की कीमतें 2011 में 34 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इससे पहले कीमतें 1997, 1986 और 1977 में अपने चरम पर थी। कॉफी का एक वैश्विक बाजार है, इसलिए भारत के किसान ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, होंडुरास और इथियोपिया जैसे देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि दुनिया के किसी अन्य हिस्से में आपूर्ति की कमी होती है, तो इससे भारतीय किसानों को लाभ होता है। भारतीय कॉफी किसान विदेशी बाजारों पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादित लगभग 80% कॉफी का निर्यात किया जाता है। कॉफी की खेती में कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा खाद, डीजल और लेबर पर खर्च होता है। रोबस्टा कॉफी के लिए 1 एकड़ के खेत में कम से कम 35,000 रुपये लेबर चार्ज पर खर्च करना पड़ता है। वहीं 15,000 रुपये डीजल और खाद के लिए लगता है। इस तरह एक सीजन में 1 एकड़ खेत में रोबस्टा कॉफी की खेती करने पर कुल 50,000 रुपये की लागत आती है। ब्राज़ील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि वियतनाम हाल ही में विश्व स्तर पर रोबस्टा कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वहाँ के किसान खुले मैदान में खेती करते हैं। इन देशों में कॉफी उत्पादन का विस्तार वनों की कटाई के माध्यम से किया जाता है। वहीं भारत के किसान छाया में उगाई जाने वाली कॉफी की खेती करते हैं, जो टिकाऊ होती है लेकिन कम रिटर्न देती है। कर्नाटक में कॉफी की खेती 3 जिलों कोडगु, चिकमंगलूर और हसन में की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।